रीवा जिले में कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने का महाअभियान शुरू किया गया, जहां जिले में 25 और 26 अगस्त को 80,000 से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर में 399 केंद्र भी बनाए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 42 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और अब तक 10,80,000 लोगों को टीका भी लग चुका है। इस टीकाकरण को सफल बनाने के लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से टीका लगवाने के लिए अपील भी की जा रही है, जिसके तहत आज नगर निगम कमिश्नर द्वारा सभी टीकाकरण सेंटरों का लगातार भ्रमण किया गया, जिसमें 5 मॉडल सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटरों में काफी भीड़ नजर आई। चल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं जिले में कैसे कैसी? आज महाअभियान में नगर निगम की तरफ से हम लोगों ने 5 मॉडल सेंटर्स बनाए हैं, जिनमें से एक मॉडल सेंटर ये है और इसके साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अभी जैसे निराला नगर में हमारी एक टीका एक्सप्रेस भी चल रही है, जिसमें हमारा प्रयास ये है कि जो कुछ पॉकेट्स जिनको हम पहले कवर नहीं कर पाए थे उनको कवर करके अपने डोज का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। 5 सेंटर्स हैं और हमारा करीब प्रयास तो ये है कि हमारा जो टारगेट है उससे ज़्यादा हम अचीव करें। और आप लोगों के माध्यम से ये भी सभी से आग्रह है कि जिन लोगों का पहला डोज लग गया है पर अभी दूसरा डोज जिन्होंने नहीं लगवाया है, ऐसे करीब 13,000 लोग हम लोगों ने लाइन लिस्ट किए हैं, जिनको हम अनाउंसमेंट के माध्यम से और मैसेजिंग के माध्यम से सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके आज और कल में अपने डोज लगवाएं। लोगों को और कैसे प्रेरित करेंगे, जो लोग अभी भी बच्चे थे NCO से अभी नहीं आ रहे? अभी मैसेजिंग करी है, अनाउंसमेंट के लिए हमने जगह जगह पर स्पीकर्स लगवाए हैं, हमारी जो राजस्व का अमला है वो पूरा लगा हुआ है।